और दोस्त क्या हाल है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सभी ने आइंस्टाइन का नाम सुना है और उनके नाम का जिक्र होने का कारण भी है, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E=mc². लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साइंस और उनकी डिस्कवरीज के अलावा कुछ और भी जो उनके साथ बचपन से जुड़ा है, वो है उनका ब्रेन। हाँ, दिमाग। सारा खेल दिमाग का ही तो है। आइंस्टाइन को पूरी दुनिया में जीनियस साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ये उनका दिमाग है उसका भी एक अनोखा और ऑसम सा रहस्य। सो लेट्स एक्सप्लोर। ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक लेट ब्लूमर थे। लेट बोलने का मतलब है कि उन्होंने लेट बोलना शुरू किया और इसलिए उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बाकी बच्चों से डिफरेंट यानी कि अलग था। आगे बढ़ने से पहले थोड़े इंटरनेट में फैले हुए गुब्बारों को फोड़ देते हैं। सो लेट मी ब्रेक दिस बबल। अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ने में वीक थे, लेकिन बहुत यंग एज में वॉल्टर आइसेक की बुक आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स में ये कहा गया है कि आइंस्टाइन का स्कूल में एडमिशन काफी लेट हुआ था, यानी कि 6.5 इयर्स में। सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। खैर, आइंस्टाइन पढ़ने में कभी भी वीक नहीं, जो कि उनकी बचपन की मार्कशीट बताती है। उनको स्ट्रिक्ट रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं, जिस वजह से टीचर्स उनको कभी भी पसंद नहीं करते। एक रीजन और है जिस वजह से आइंस्टाइन को वीक बोलते हैं, वो है उनका अपना बायोग्राफर कार्ल सिंग। कार्ल सिंग ने बताया कि उन्होंने 3 साल की उम्र तक एक शब्द नहीं बोला था, जिस वजह से उनके पेरेंट्स और आसपास के लोग ये सोचते थे कि वो वीक है। लेकिन एक दिन उन पर गर्म दूध गिरा तो उन्होंने क्लियरली एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लाइन बोली, जिसको देख के उनके पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा 3 साल का बच्चा पूरे सेंटेंस बोल पा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि अल्बर्ट, तुमने अभी तक एक शब्द क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं पहले पूरे पूरे सेंटेंस बोल नहीं पाता था, इसलिए सोचा कि अभी बोलना सही नहीं होगा। बस ऐसी ही कुछ बातें हैं आइंस्टाइन की, जो दुनिया में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि उनके दिमाग में ऐसा क्या था। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे और उनकी माँ बिल्कुल नॉर्मल थी, पर फिर भी विज्ञान में उनके योगदान के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा वैज्ञानिक पेपर लिखे, मतलब उनके दिमाग में कुछ तो खास ही होगा जो उनको पूरी दुनिया से अलग करता है ना। तो उनकी डेथ के बाद उनके दिमाग की कुछ अलग ही कहानी शुरू हुई। हम सबका ये मानना है कि उनका दिमाग स्पेशल था, ये तो बिल्कुल लाजमी है, और ऐसा ही था थॉमस हार्वी का मानना। आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनका दिमाग उनके शरीर से निकाल दिया गया था, क्योंकि थॉमस हार्वी का भी यही मानना था, उनके दिमाग के स्पेशल होने का राज निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आइंस्टाइन की थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, पर सारी प्रॉब्लम ये थी कि वो जर्मनी में रहते थे, लेकिन यहूदी या जूश होने के कारण उनका जर्मनी में रहना संभव नहीं, इस वजह से वो अमेरिका आ गए, जहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्हें एक एज अ स्पेशल प्रोफेसर का काम करने का मौका मिला। आइंस्टाइन की मृत्यु अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मरने के बाद उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट न किया जाए, और ना वो ये चाहते थे कि लोग उनको भगवान की तरह पूजें। वो बस ये चाहते थे कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए, यानी कि उनके शरीर को जला दिया जाए और उनके शरीर की राख इधर उधर बिखेर दी जाए। लेकिन थॉमस हार्वी ने ये सब शायद सुना ही नहीं था और ये सब चीजों को नजरअंदाज किया। उन्होंने आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करते हुए उनके दिमाग को चुरा लिया। अब जब ये बात सबके सामने बाहर आई तो हार्वी ने किसी तरह आइंस्टाइन के बेटे को मना लिया कि उनके पिता एक महान वैज्ञानिक थे और उनके दिमाग की जांच के बाद हम ये समझ पाएंगे कि उनके दिमाग में ऐसा खास क्या था, ताकि दुनिया में और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक बन पाए। हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे को कन्विंस कर दिया कि आइंस्टाइन के दिमाग पर जांच करने से आने वाले समय में साइंस का और साइंटिस्ट दोनों का इस बात से बहुत फायदा होगा। ये सब चलते डॉक्टर हार्वी की नौकरी छूट गई, और ये तो होना ही था क्योंकि साइंस कम्युनिटी ने डॉक्टर हार्वी की इस हरकत की बहुत ज्यादा निंदा की। खैर, हार्वी ने अब आइंस्टाइन के ब्रेन को काटा और एक जार में लिक्विड के साथ रख दिया और अब डिसाइड किया कि वो फिलाडेल्फिया जाएंगे। डॉक्टर हार्वी को सिर्फ ये जानना था कि एक नॉर्मल इंसान ने कैसे विज्ञान को इतना बदल दिया और क्यों उन्हें सुपर जीनियस कहा जाता था। बस डॉक्टर हार्वी को ये ही राज जानना था।
फिलाडेल्फिया में डॉक्टर हार्वी को रोज ना सुनना पड़ता था क्योंकि कोई आइंस्टाइन के दिमाग को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। यही नहीं, फिलाडेल्फिया में डॉक्टर हार्वी की फैमिली ने उनकी बहुत निंदा करी। उनको बार बार ये बोला गया कि इस चक्कर की वजह से आपकी तो नौकरी भी चली, इस चक्कर की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर हार्वी को बहुत टाइम तक दूर दूर तक कोई साथ ना मिला, लेकिन डॉक्टर हार्वी ने ना अपने परिवार की बात मानी ना बाकी लोगों की सुनी और वो फाइनली आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर मिडवेस्ट चले गए। और विचिटा कैंसस में फाइनली एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब एक मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी शुरू कर दी। फाइनली उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन को ठंडा रखने के लिए एक बियर कूलर के साइडर बॉक्स में रखा। बियर कूलर तो आपने देखा ही होगा, ये वही होता है थर्मोकोल से बना हुआ डब्बा। कुछ दिन विचिटा कैंसस में गुजारने के बाद डॉक्टर हार्वी मिजोरी चले गए और वहां पे काम करना शुरू किया। जब भी डॉक्टर हार्वी को टाइम मिलता था वो आइंस्टाइन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सब चलते चलते डॉक्टर हार्वी फिर डॉक्टर ही ना रह पाए क्योंकि उन्होंने अपना मेडिकल लाइसेंस ही खो दिया। देखो दोस्त, एक डॉक्टर बनने के बाद भी आपको बार बार एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप एक फिट डॉक्टर हो, पर डॉक्टर हार्वी उस एग्जाम में फेल हो और अपना लाइसेंस खो दिया। ये सब होने के बाद वो फाइनली फिर से वापस कैंसस आ गए। वहां पर उनको एक दोस्त मिला विलियम बर्ड्स के नाम से। विलियम बर्ड्स एक पोएट था और हार्वी और विलियम बर्ड्स की बहुत अच्छी दोस्ती हो, और हार्वी ने विलियम बर्ड्स को ही यही बात बताई थी कि उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के छोटे छोटे पीसेस काट कर उन टुकड़ों को दुनिया के कई हिस्सों में बांटा ताकि लोग उस पर रिसर्च कर सके। फाइनली सन 1985 में जब डॉक्टर हार्वी कैलिफोर्निया में थे, उन्होंने आइंस्टाइन की ब्रेन की सारी स्टडी को रिलीज किया और उसको पब्लिश करवाया। उस स्टडी में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आइंस्टाइन का ब्रेन यूनिक जरूर था, उनका ब्रेन थोड़ा ओवर डेवलप्ड था और उनके दिमाग में एक बहुत ही विचित्र बात वो ये थी कि जो सेल्स और कोशिकाएं न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स उनका अनुपात बहुत ही असामान्य था। बहुत ही यूनिक था एक कि ग्लियल सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी उनके दिमाग में। ग्लियल सेल्स आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी सोचने की क्षमता बहुत इन्हांस कर देता है और अगर उनका फ्लो बहुत ज्यादा हो तो आपकी क्षमता काफी बढ़ जाती है। उनके ब्रेन पर रिसर्च करने वाले कई लोगों ने इस बात को सिद्ध किया। इसे बहुत अच्छे से दर्शाया गया कि हमारा दिमाग किन कारणों की वजह से कमजोर है और किन कारणों की वजह से शक्तिशाली है। लेकिन कई रिसर्चर्स का ये भी मानना था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फेक है और गलत है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि पेस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर टेरेंस हाइंस, उन्होंने क्लियरली कहा ये सब बकवास है। तो दोस्त, ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्रेन की कहानी। ये कहानी में सच्चाई बहुत है क्योंकि जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे उन लोगों के इंटरव्यू मिले जिससे ये काफी हद तक सिद्ध होता है कि रिसर्च भी सच हो सकती है और इसमें जो डेटा मिला है वो भी सच हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।